जय हिंद दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं अपने इस YouTube चैनल 2Pi App पे। आज हम लोग जो है शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है हम लोग कंप्रेसर एंड गैस टरबाइन। हम लोगों ने पिछला वीडियो जो IC इंजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया था उस वीडियो में। तो आज से हम लोग का जो नया टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है कंप्रेसर और गैस टरबाइन। ठीक, कंप्रेसर और गैस टरबाइन में हम लोग देखें कुछ बहुत ही मज़ेदार सवाल। ये भी जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है। इसमें कंप्रेसर और गैस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे, ओपन गैस टरबाइन, क्लोज गैस टरबाइन, उसमें क्या क्या चीज़ लगाएंगे, इंटरकूलर लगाएंगे क्या होगा, रीजनरेटर लगाएंगे क्या होगा। ठीक, कंप्रेसर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग, जैसे कि न्यूमेटिक ड्रिल हो गया, पेंट स्प्रे में हो गया, कंप्रेसर का यूज हम लोग करते हैं वो सब चीज़ में। कंप्रेसर जनरली हम लोग यूज क्यों करते हैं, पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि कंप्रेसर जो है हम लोग यूज क्यों करते हैं। कंप्रेसर जनरली जो है हम लोग जो नॉर्मल जो प्रेशर है हम लोग का एटमोसफेयर में, उसको जनरली हम लोग बढ़ाने के काम में करते हैं। ठीक, मतलब कि एटमोसफेयरिक प्रेशर से जहाँ हम लोग का प्रेशर ज़्यादा चाहिए वहाँ पर हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं। लेकिन कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करने के टाइम सिर्फ प्रेशर ही नहीं बढ़ता है, वहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर भी रेज करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि टेम्परेचर हम लोग का ज़्यादा ना हो, इसलिए हम लोग वहाँ पे इंटरकूलर लगा देते हैं, ताकि प्रेशर तो कांस्टेंट रहे, जितना हम लोगों ने रेज प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन हम लोग का टेम्परेचर जो है कम हो जाए, ताकि जो है आगे जो हम लोग का जो भी रिक्वायरमेंट है इफिशियंसी का उसमें जो है बाधाएँ ना आए। ठीक, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि RS खुरमी के बुक में दिया हुआ, जो कि इसमें से जो है आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन है जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। इसलिए हम लोग इसको थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। इसको एक बार इस तरह नहीं निकाल देना है जैसा कि हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा, वो सबसे क्वेश्चन मतलब जैसा जो जिस हिसाब से जहाँ पर जिसका वेटेज जिस हिसाब से एग्जाम में है उसी हिसाब से हम लोग जो है तैयारी करेंगे। ठीक, तो हम लोग जाते हैं हम लोग आज के जो है पहला नंबर क्वेश्चन पे, कंप्रेसर और गैस टरबाइन का पहला नंबर क्वेश्चन। अ मशीन यूज टू रेज द प्रेशर, है ना। अ मशीन पूछा पहला क्वेश्चन, ऐसा मशीन का नाम बताइए जो कि प्रेशर को रेज कर रहा है। तो बताने लिए कोई बात नहीं है, जो कि हम लोग का स्टडी जो कि हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट किए हैं कंप्रेसर, उसी को कहते हैं प्रेशर। प्रेशर जाके रेज करेगा एयर का। ठीक, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी रेज होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, चलिए कोई बात। अ कंप्रेसर मस्ट बी ड्रिवन बाय सम प्राइम मूवर, है ना। कंप्रेसर को चलाने के लिए कोई प्राइम मूवर चाहिए, है ना? उसका जो है कंप्रेसर को चलाने के लिए, तभी तो जो है सक्शन क्रिएट होगा, तब जाके एयर सक करेगा और उसको हाई प्रेशर में हम लोग का जो है ये आउटपुट हम लोग का मिलेगा। थर्ड नंबर, द कंप्रेस्ड एयर मे बी यूज्ड। कंप्रेस्ड एयर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो पहला तो हो गया हम लोग गैस टरबाइन प्लांट में यूज कर सकते हैं, दूसरा हो गया न्यूमेटिक ड्रिल में यूज कर सकते हैं, तीसरा हो गया स्टार्टिंग एंड सुपर चार्जिंग ऑफ IC इंजन। IC इंजन जब हम लोग ने पढ़ा था वहाँ हम लोग सुपर चार्जर का यूज कर रहे थे। सुपर चार्जर में हम लोग क्या कर रहे थे, हाई डेंसिटी में हम लोग एयर को प्रोवाइड करवा रहे थे IC इंजन के, ताकि जो है हम लोग का कंबसन जो है बढ़िया तरीके से हो पाए, है ना। तो वही चीज़ जो है सुपर चार्जर में भी हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्रेसर का यूज कर रहे थे, प्रेशर को बढ़ा करके, है ना, उसका वॉल्यूम मतलब डेंसिटी उसका जो है बढ़ा करके हम लोग जो है IC इंजन में भेज रहे थे। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्त वो है डी, ऑल ऑफ द एबव, थ्री का डी नंबर। नेक्स्ट आइए फोर का, द ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट्स रैम एंड पंप्स मेक यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो बिल्कुल सही है, लिफ्ट में, रैम में, पंप्स में, कहीं भी हम लोग का जो है हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर, फोर का ए। फाइव, द रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड। अब यहाँ से क्या है, 6-7 जो क्वेश्चन है वो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट जो की है कीवर्ड, जैसे कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेसर इफिशियंसी, एक्सपेंशन रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ये सब चीज़ के बारे में डिफिनेशन आएगा, वो देखते चलेंगे। बोला द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर का रेशियो और इनलेट प्रेशर का रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग दोस्त बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो, जहाँ कि हम लोग आई सी इंजन में क्या देखते हैं, कंप्रेशन रेशियो किसको बोलते हैं, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन टू द वॉल्यूम एट द बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशन। ये भी सेम चीज़ वही है, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर, यहाँ पर लिया डिस्चार्ज प्रेशर मतलब एंड में का जो प्रेशर यही होता है, और इनलेट का प्रेशर वॉल्यूम एट द बिगनिंग ऑफ द प्रेशर,
है ना कंप्रेशन, तो वही होया इनलेट प्रेशर। तो सेम चीज है, सिर्फ इसका जो है वर्ड जो है चेंज कर दिया गया, कंप्रेशन रेशियो सभी में सेम ही होता है। ठीक, आउटलेट बाय इनलेट प्रेशर भी बोल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको याद रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट। फ्री एयर इज द एयर एट द एटमोस्फेरिक कंडीशन एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन। फ्री एयर हम लोग किसको बोलेंगे, फ्री एयर कोई भी है जो कि कोई भी लोकेशन में हम लोग पा सकते हैं, उसको हम लोग फ्री एयर बोलेंगे। मतलब कि फ्री का एक ही चीज़ हम लोग का मिलता है दोस्त, वो है हवा, है ना। जिस जो मशीन से हम लोग एयर का यूज करते हैं वो हम लोग का इकोनॉमिकली लो पड़ता है कॉस्ट में। ठीक, आई नेक्स्ट। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड। जो भी एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग को आउटलेट में मिल रहा है प्रेशर के तौर पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज प्रेशर, है ना। कितना प्रेशर हम लोग का डिस्चार्ज कर रहा है एट द आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। द इनलेट प्रेशर इज ऑलवेज डैश द डिस्चार्ज प्रेशर। अब बोल रहा है जो इनलेट प्रेशर होगा वो डिस्चार्ज प्रेशर से कम होगा या ज़्यादा होगा या सेम रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बताइए कि हम लोग को अगर प्रेशर कम चाहिए होता तो हम लोग कंप्रेसर क्यों यूज करते, ठीक। या फिर हम लोग को प्रेशर हम लोग को बराबर चाहिए होता तब भी हम लोग वहाँ पे कंप्रेसर क्यों यूज करते। हम लोग को जब भी चाहिए, जो भी हम लोग का जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर चाहिए, जो भी हम लोग एयर जो हम लोग सक करवा रहे, तो हमेशा जो इनलेट प्रेशर जो है हमेशा जो है लेस देन होगा डिस्चार्ज प्रेशर से। डिस्चार्ज प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा इनलेट प्रेशर से, इसीलिए तो हम लोग वहाँ पे कंप्रेसर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हम लोग का रिक्वायरमेंट वहाँ पर फुलफिल हो पाए, ज़्यादा प्रेशर हम लोग ऑब्टेन कर पाए। ठीक, आई नेक्स्ट। 9 नंबर, द कंप्रेशन रेशियो फॉर द कंप्रेसर इज ऑलवेज। अब यहाँ पे एक बात आई, कंप्रेशन रेशियो कंप्रेसर के लिए हमेशा याद रखेगा एक से ज़्यादा होगा। क्या होगा, अगर कंप्रेशन रेशियो कंप्रेसर का बोले तो हमेशा जो है ग्रेटर देन यूनिटी होगा, ग्रेटर देन वन होगा, मोर देन यूनिटी। ठीक, 10 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड। अब जो वॉल्यूम डिलीवर किया जा रहा है कंप्रेसर के द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी। कंप्रेसर का कितना कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम डिलीवर कर सकता है कोई भी कंप्रेसर के द्वारा, कोई भी कंप्रेसर के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी। कितना मतलब कंप्रेसर का क्षमता है वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए। 11 नंबर, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय अ कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस्ड टू द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड कंप्रेसर कैपेसिटी। तो हम लोगों ने अभी कंप्रेसर कैपेसिटी क्या देखा दोस्त, जो भी हम लोग का वॉल्यूम एयर डिलीवर्ड हो रहा है कंप्रेसर के द्वारा उसको बोलते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी, ना कि जो हम लोग का एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड हो रहा है कंप्रेसर के द्वारा, कब, जब उसका हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर को रिड्यूस करते। ठीक, तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एयर डिलीवरी। इसका अगर हम लोग का राइट आंसर होता है ये होता है फ्री एयर डिलीवरी। ठीक, ये तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है हम लोग का ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब नो हो जाएगा 11 का बी नंबर। अगर यहाँ पर कंप्रेसर कैपेसिटी जगह पे फ्री एयर डिलीवरी होता तो ये हम लोग का स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। 12 नंबर, द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक। अब देखिए, अब जो भी वॉल्यूम सक किया गया है सक्शन स्ट्रोक के दौरान उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सक्ड वॉल्यूम, है ना, इजी था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बोल रहा है कैपेसिटी, कंप्रेसर कैपेसिटी हम लोग किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जनरली यूनिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट इसका होता है, चूँकि वॉल्यूम में हम लोग का वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, और जो है प्रति मिनट यहाँ पे लिया जा रहा है यूनिट का, मतलब एक मिनट में कितना मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ एयर जो है सक कर रहा है कोई भी कंप्रेसर के द्वारा, वही उसका कैपेसिटी दर्शाता है, जो सी नंबर है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट होता है, मीटर क्यूब पर मिनट। एक मिनट में कितना मीटर क्यूब जो है हम लोग का वॉल्यूम ऑफ एयर जो है कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस किया जा रहा है। आई एन ए, द कंप्रेसर कैपेसिटी इज डिफाइंड। अब देखिए, कंप्रेसर कैपेसिटी डिफाइंड करने के लिए बोल रहा है कि कंप्रेसर कैपेसिटी डिफाइंड क्या होता है। पहला नंबर पढ़ते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस्ड टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये स्टेटमेंट होता है दोस्त हम लोग का फ्री एयर डिलीवरी का। ये किसका स्टेटमेंट है, तो फ्री एयर डिलीवरी का। ऐसा क्वेश्चन में जहाँ कि हम लोग का डिफिनेशन पूछा गया, जो स्टेटमेंट पूछा गया, सभी ऑप्शन को देखते चलिए और जो ऑप्शन है उसका जो है अपने मन से जब खुद में पढ़ रहे हैं तो उसका जो है रिवीजन करते जाइए। इससे आप क्या होगा, आपका जो पिछला जो क्वेश्चन है वो मेमोराइजेशन होता जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, तो इसी को बोलते हैं दोस्त कंप्रेसर कैपेसिटी। इसी को क्या बोलते हैं,
कंप्रेसर कैपेसिटी, जितना जो है वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर किया गया कंप्रेसर के द्वारा उसको हम बोलते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी। और एक बच गया हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर सर्व बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग इट्स सक्शन स्ट्रोक, तो ये हम लोग का होता है क्या, ये हम लोग का होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। ये क्या होता है हम लोग का, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट 15 नंबर आएगा, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर इज द, अब देखिए पूछा है मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोग किसको कहते हैं, आइए स्टेटमेंट देखते हैं। बोला है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो फ्री एयर डिलीवरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर जितना भी हम लोग का वॉल्यूम एयर डिलीवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द, ये मतलब जनरली जो है पिछला वाला जो ही है हम लोग का, ये हम लोग का स्टेटमेंट उठा करके दिया है एबीसी। तो इसमें से जो देख रहे हैं आप, इसमें से मीन इफेक्टिव प्रेशर इसको हम लोग नहीं बोलते। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इसका किसका रेशियो होता है, जो भी वर्क डन हो रहा है पर स्ट्रोक, जो भी वर्क डन हो रहा है पर स्ट्रोक टू, है ना, ये किसका किसका रेशियो मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो वर्क डन पर स्ट्रोक और टू वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर, वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर, ये इसको हम लोग कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या कहते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर किसका किसका रेशियो, वर्क डन पर स्ट्रोक और टू द वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का नन ऑफ द, डी नंबर, डी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होगा 15 का डी नंबर। 16, द रेशियो वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर, ठीक वही आ गया जो मैंने बताया अभी, है ना, पूछा है वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी यहाँ पे मैंने वर्क डन पर स्ट्रोक लिया, वर्क डन पर साइकिल यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, वर्क डन पर साइकिल है यहाँ पे टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर, ठीक टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर, ठीक आए तो इसका हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर डी नंबर, वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर, ये हम लोग क्या हो जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाएगा वो। बाकी हम लोगों ने इसमें देख लिया कंप्रेसर कैपेसिटी किसको कहते हैं, कंप्रेसर रेशियो किसको कहते हैं, कंप्रेसर इफिशियंसी अभी आएगा आगे वो मैं बता दूंगा। इन एयर कंप्रेसर्स, कंप्रेसर फ्री एयर डिलीवरी मीन्स, अब फ्री एयर डिलीवरी फिर वही तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट है देख रहे हैं, ये मतलब कि 14, 15, 16, 17 ये चौथा क्वेश्चन आ गया हम लोग का, ठीक तो ये एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड तो यही हम लोग का क्या है, ये फ्री एयर डिलीवरी था पहला नंबर जो मैंने बताया था फ्री एयर डिलीवरी, दूसरा नंबर कंप्रेसर कैपेसिटी है वॉल्यूम ऑफ द एयर डिलीवर्ड कंप्रेसर कैपेसिटी, और तीसरा नंबर जो है ये हम लोग का स्विफ्ट वॉल्यूम है जितना हम लोग का जो सक कर रहा है एट ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, तो ये स्विफ्ट वॉल्यूम होगी। ठीक ये तो आप भूल नहीं पाएंगे 15, 16, 17 ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जो सेम ऑप्शन है हम लोग का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 17 का ए नंबर हम लोग का करेक्ट होता है, 17 का ए नंबर करेक्ट उत्तर है 17 का ए। नेक्स्ट द फ्री एयर डिलीवरी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय अ कंप्रेसर फ्रीली, है ना, अभी हम लोगों ने देखा क्या फ्री एयर डिलीवरी क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर किया जाता है कब, जब उसका जो है प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए, ये नहीं होता है कि यहाँ पर फ्री एयर डिलीवरी क्या वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर फ्रीली, वो चीज नहीं है। यह क्या फ्री एयर डिलीवरी उसका मतलब कि मीनिंग निकाल दिया क्या कि जो डिलीवर किया जाता है कंप्रेसर के द्वारा फ्रीली, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, फ्री एयर डिलीवरी उसको हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग का जो है वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिलीवर किया जा रहा है कब, जब हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग का रिड्यूस करके दिया जाए। तो स्टैंडर्ड एयर इज द एयर रेट, अब पूछा स्टैंडर्ड एयर किसको हम लोग बोलते हैं, स्टैंडर्ड एयर हम लोग बोलते हैं वन बार को, स्टैंडर्ड एयर बोलते हैं वन बार को, अगर प्रेशर के तौर पर ले तो वन बार को, टेम्परेचर के तौर पर ले तो 20 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग का वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए 36%, ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। कम से कम प्रेशर जो होना चाहिए हम लोग का वन बार, प्रेशर जो है वन बार, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी उसका जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कितना होना चाहिए 36%, ये जो है कोई भी एक एयर का जो है स्टैंडर्ड अगर उसका मान्यता मापा जाए तो हम लोग क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई भी एयर में हम लोग का प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होता है, ये तो जनरली अगर देखा जाए अगर कोई भी एयर में वन बार प्रेशर रहे, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहे और ह्यूमिडिटी 36% रहे, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो एयर हम लोग का स्टैंडर्ड एयर है, जो कि बी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर होगा, वन बार एंड 20 डिग्री सेल्सियस, कितना 1 बार एंड 20 डिग्री सेल्सियस।
ठीक, आइए नेक्स्ट। द कंप्रेसर कैपेसिटी विल बी डैश इफ द टेम्परेचर ऑफ द इनटेक एयर इज लोएस्ट। अब बोल रहा है कंप्रेसर कैपेसिटी कब हम लोग का जो है ज्यादा होगा, कंप्रेसर कैपेसिटी कम होगा या ज्यादा होगा कब, जब हम लोग का इनटेक टेम्परेचर जो है, इनटेक टेम्परेचर जो है लोएस्ट रहेगा, है ना। इनटेक टेम्परेचर कहने का मतलब है जब सक्शन के टाइम हम लोग का अगर टेम्परेचर हम लोग का कम रहेगा तो कंप्रेसर कैपेसिटी हम लोग का हाईएस्ट होगा, कंप्रेसर कैपेसिटी हम लोग का हाईएस्ट होगा। क्यों, ऐसे भी हम लोग कंप्रेसर में जाकर क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ाता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर भी उसके साथ बढ़ाता है, इसलिए जरूरी है कि जो इनटेक टेम्परेचर है एयर का वो हम लोग कम रहना चाहिए कंप्रेसर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक। तो हम लोग का जो है यहाँ पर हम लोग का बी नंबर जो है 20 का बी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, 20 का बी नंबर हम लोग का यहाँ पे करेक्ट है। आई नेक्स्ट, इन ए डबल एक्टिंग कंप्रेसर द एयर इज, अब देखिए डबल एक्टिंग कंप्रेसर यहाँ पे आ गया है, सिंगल एक्टिंग होता है, एक डबल एक्टिंग होता है, दो चीज़ तो हो सकता है और तो तीसरा चीज़ होगा नहीं, तीसरा और हो सकता है मल्टी टाइप जो कंप्रेसर होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल एक्टिंग है और एक सिंगल एक्टिंग है। मैं बता दूँ डबल एक्टिंग क्या है और सिंगल एक्टिंग क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, अगर मान लेते हैं कोई एक पिस्टन लिए हुए है, यहाँ पर अगर कोई पिस्टन लिए हुए है, एक क्या होगा जब हम लोग का सक्शन होगा, मतलब सक्शन होने का मतलब क्या है, हम लोग का अगर ये TDC मान लेते हैं टॉप डेड सेंटर, BDC मान लेते हैं BDC बॉटम डेड सेंटर, जैसा कि हम लोगों ने IC इंजन में लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा जब सक्शन होता है तो हम लोग का ये जो है पिस्टन जो है ये BDC की तरफ आएगा और क्या होगा यहाँ पे जो है एयर सक करेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हम लोग का इनलेट पोर्ट होगा, यहाँ पर हम लोग का एग्जॉस्ट पोर्ट होगा, या तो बोल सकते हैं डिलीवरी पोर्ट होगा, तो यहाँ से जो है हम लोग का सक्शन जो है सक्शन के टाइम या फिर इनटेक के टाइम हम लोग का जो क्या होगा हम लोग का एयर जो है यहाँ पे सक करेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग का मैंने भी बताया कि स्टार्टिंग में जो है प्रेशर कम होना चाहिए कंप्रेसर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक। तो पहला टाइम ये होगा, ये जो मतलब कि ये कह रहा है क्या सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, ये सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर सिंगल एक्टिंग में क्या होगा कि एक बार जब हम लोग का जो पिस्टन जो है हम लोग का क्या होगा कि कोई एक ही डायरेक्शन में जो है हम लोग का कंप्रेशन होगा, कोई एक ही डायरेक्शन में हम लोग क्या होगा कंप्रेशन होगा, जैसे क्या हो रहा अभी सक किया फिर इसको जब इधर से प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का कंप्रेशन होकर के एयर जो है बाहर आएगा, ठीक। लेकिन डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता, डबल एक्टिंग सिलेंडर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता, कुछ इस प्रकार से पूरा क्लोज रहता है डबल में और यहाँ पर जो है पिस्टन है, यहाँ पर हम लोग का क्या है पिस्टन है, ठीक। इसमें क्या होगा हम लोग का इसमें यहाँ पर इनलेट यहाँ भी आउटलेट यहाँ, इनलेट यहाँ और आउटलेट यहाँ, ये चार पोर्ट रहेगा। क्या होगा जब सक्शन करेगा, जब हम लोग का TDC से BDC की ओर जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या होगा यहाँ हम लोग का क्या करेगा हम लोग का जो है एयर सक करेगा, लेकिन वही दौरान जो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट था वो क्या करेगा जब इधर से इधर जाएगा तो यहाँ का जो अगर मान लेते ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट का जो एयर जो प्रेजेंट है हम लोग का उसको कंप्रेस करेगा और ये पोर्ट के थ्रू निकल जाएगा, और फिर जब कंप्रेशन के टाइम क्या होगा ये जो है सेकेंड पार्ट का जो है एयर को कंप्रेस करके ये बाहर निकलेगा, तब तक क्या होगा ये फर्स्ट पार्ट में जो है एयर का इनटेक होगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे जो है कंप्रेशन जो है दोनों स्ट्रोक में हो रहा है, सक्शन में भी हो रहा है कंप्रेशन में भी हो रहा है, दोनों ऑपरेशन हो रहा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डबल एक्टिंग कंप्रेसर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डबल एक्टिंग कंप्रेसर, और इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, ठीक। तो बोल रहा है इन डबल एक्टिंग कंप्रेसर द एयर इज कंप्रेस्ड, तो एयर कंप्रेस होता है इन अ सिंगल सिलेंडर ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, इन अ सिंगल सिलेंडर ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, 21 का सी नंबर जो है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक। आई नहीं, ऐसा नहीं कि डबल एक्टिंग में 2 सिलेंडर वाला मार दिया गलत हो जाएगा, 2 सिलेंडर नहीं एक ही सिलेंडर यूज कर रहे हैं, 2 एक्टिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही सिलेंडर में जब हम लोग का सक्शन हो रहा है या फिर कंप्रेसर हो रहा है तो एक तरफ सक्शन तो हो ही रहा है और एक तरफ कंप्रेसर, मतलब कोई भी स्ट्रोक में देखिएगा तो हम लोग को जो है कंप्रेस्ड एयर मिल रहा है। 22 इन अ कंप्रेसर वर्क इज डन बाय द पिस्टन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ऑफ ड्यूरिंग सक्शन ऑफ एयर एंड वर्क इज डन बाय द पिस्टन ड्यूरिंग कंप्रेशन एज वेल एज डिलीवरी ऑफ द एयर। अब बोल रहा है क्या कोई भी कंप्रेसर में वर्क डन क्या कब होता है जब पिस्टन ड्यूरिंग सक्शन ऑफ एयर एंड वर्क डन ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग सक्शन
ऑफ एयर एंड वर्क इज डन बाय द पिस्टन ड्यूरिंग कंप्रेशन एज वेल एज डिलीवरी ऑफ द एयर, तो करेक्ट है। अभी जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे वही सेम चीज़ जो है स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा है कि कोई भी कंप्रेसर में जो है, कोई भी कंप्रेसर में देखें तो वर्क डन जो हो रहा है वो पिस्टन के द्वारा हो रहा है सक्शन के टाइम एयर के चलते, और जो वर्क डन किया जा रहा है किसके द्वारा, वर्क डन बाय द पिस्टन, पिस्टन के द्वारा वर्क किया जा रहा है ताकि हम लोग का कंप्रेशन हो सके और डिलीवरी ऑफ एयर हम लोग का मिल सके, तो वो चीज़ बोल रहा है। इन अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सिंगल एक्टिंग का बात किया है, द सक्शन कंप्रेसर एंड डिलीवरी ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन टू स्ट्रोक, जैसा कि हम लोगों ने देखा दो स्ट्रोक में हम लोग का जो है कंप्रेशन हम लोग का हो पा रहा है कंप्रेसर के द्वारा। अगर यहाँ पे बात करें जो मैंने यहाँ पे बताया कि सिंगल एक्टिंग में क्या हो रहा है, दो स्ट्रोक में एक बार सक्शन होगा उसके बाद कंप्रेशन होगा तो दो स्ट्रोक हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ डबल एक्टिंग का बात करें तो दो स्ट्रोक में हम लोग को दो बार, यहाँ पर हम लोग का सिंगल स्ट्रोक में जो हम लोग कंप्रेशन हो जा रहा है, सक्शन में भी हम लोग कंप्रेशन हो रहा है एक तरफ और कंप्रेशन में भी एक तरफ हम लोग का कंप्रेशन तो हो ही रहा है, ठीक वो चीज़ बोल रहा है। तो हम लोग का सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो सक्शन कंप्रेशन और डिलीवरी ऑफ एयर जो है हम लोग का दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा है, यह ध्यान दीजिएगा। इन ए सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, यह ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, द वर्क डन इज मिनिमम, यह ध्यान रखना है वर्क डन मिनिमम पूछा किस कंडीशन में होगा, तो वर्क डन मिनिमम होगा हम लोग का आइसोथर्मल कंप्रेसर में, वर्क डन कब मिनिमम होगा आइसोथर्मल कंप्रेसर में, अगर यही बोलता हम लोग वर्क डन मैक्सिमम कब होगा तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर में, यहाँ पे वर्क डन जो है ये मैक्सिमम का केस आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमम केस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 25, इन ए सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ जो सेम क्वेश्चन दे दिया जो मैंने बताया, वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन मैक्सिमम कब होगा तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में, मिनिमम कब होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन में। अच्छा 26 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ एयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इज डैश देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन अच्छे तरीके से एडिट नहीं हो पाया था, फिर भी देखते हैं कि यह क्वेश्चन क्या कहना पा रहा है, कहना चाह रहा है। देखिए बोल रहा है जो प्रेशर हो, जो भी प्रेशर हम लोग का एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इज डैश देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना, प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर पूछा गया है बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम में एज कंपेरिजन टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसका ऑप्शन हम लोग, हम मुझे जैसा लग रहा या तो होगा इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ होगा, या बी नंबर अगर देखें द ग्रेटर देन, और सी नंबर जो होगा वो लेस देन होगा, यही तीन ऑप्शन हो सकता है, ज़्यादा होगा कम होगा या हम लोग का बराबर होगा कंप्रेशन स्ट्रोक प्रेशर जो है कंप्रेशन स्ट्रोक के पहले एज कंपेरिजन टू हम लोग किस में पूछा गया है एज कंपेयर टू हम लोग का एटमोस्फेरिक कंडीशन के से पूछा गया है। तो जब भी जो होगा हम लोग का प्रेशर जो होगा कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम हम लोग का क्या होगा कम होना चाहिए, तभी तो जो है एटमोस्फेरिक एयर से जो हवा हम लोग खींच सकता है और वो कंप्रेसर जो है हम लोग का कंप्रेस करके फिर जो हम लोग का हाई प्रेशर में हम लोग को डिलीवर करेगा कंप्रेसर हम लोग का एयर को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सी नंबर हो जाएगा हम लोग का, लेस देन, क्या हो जाएगा लेस देन द प्रेशर ऑफ एयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन, बिगिनिंग बोल रहा है, अगर इंड ही बोलता कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम में तो यह ज़्यादा होता, क्योंकि हम लोग का एटमोस्फेरिक प्रेशर से हम लोग ज़्यादा हम लोग का प्रेशर चाहिए है ना एयर का, तभी तो हम लोग कंप्रेसर का यूज करें, लेकिन यहाँ पर बिगनिंग बोल करके क्या बोल दिया, यहाँ हम लोग का लेस देन होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से। 27 नंबर, अब यहाँ पूछा गया द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द बिगनिंग, वहाँ हम लोग पिछला बार देखा, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रेशर को देखा था, अब यहाँ पर टेम्परेचर पूछ रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक वो ज़्यादा होगा कम होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर कंडीशन में। तो जैसा कि मैंने बताया एट द बिगिनिंग ऑफ द टेम्परेचर जो है प्रेशर तो कम रहेगा लेकिन टेम्परेचर हम लोग क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा होगा, जस्ट जो है प्रेशर का उल्टा। 28, इन अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस द कंप्रेसर एयर मे बी, अगर विदाउट क्लियरेंस बोला है इन अ सिंगल एक्टिंग जो कंप्रेशन होगा एयर वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक पॉलीट्रोपिक कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
आइसोथर्मल भी कर सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक भी कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनी ऑफ द अबव, डी नंबर इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा हम लोगों का। 29, द एयर पावर ऑफ द कंप्रेसर इज ऑल्सो नोन एज, जो कि हम लोग का एयर पावर है कंप्रेसर का उसको क्या कहते हैं, जो कि हम लोग एक्चुअल पावर जो हम लोग का डेवलप्ड हो रहा था इंजन में उसको हम लोग क्या बोल रहा था इस इंजन में, तो इंडिकेटेड पावर। वही चीज यहाँ पर भी है, जो एयर पावर जो कंप्रेसर के द्वारा हो रहा है वो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, और जो हम लोग क्रैंकशाफ्ट पे हो रहा था इस इंजन में वो हम लोग का ब्रेक पावर कहलाता था। यहाँ पे जो है जो पावर डेवलप हो रहा है कंप्रेसर के द्वारा शुरू में उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ए नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर द बेस्ट सुटेड फॉर हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम कैपेसिटी, तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, है ना। तो कोई भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो बेस्ट सुटेड है किसके लिए, हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए। एक प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन वॉल्यूम का कैपेसिटी हम लोग का कम होगा। द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑन पावर कंजप्शन इज नेग्लिजिबल फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज, है ना। इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम का इफेक्ट हम लोग का बहुत कम होता है पावर जितना भी हम लोग कंजप्शन होगा उस, तो यहाँ पर जो है सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ए और बी, ठीक। यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के तुलना में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के स्टेटमेंट के देखते हुए जो हम लोग का दोनों जो है करेक्ट होगा। 31, इन अ सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस द वर्कडन ऑन द एयर ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज डैश द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एयर फ्रॉम T1 टू T2 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पे मैं पहले आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे जो आंसर होगा हम लोग का इक्वल टू होगा, क्यों होगा, यहाँ पे पूछा है सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कि विदाउट क्लियरेंस जो भी वर्कडन हो रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का यहाँ पूछा गया है, तो वो हम लोग का जो है इक्वल होता है कि इसका जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा कहाँ से कहाँ तक T1 से T2 तक कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक। ये चीज़ मैंने जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन अगर लिया जाए तो वो हम लोग का जो भी हीट रिक्वायर होता है वो हम लोग का इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर के दौरान। 32, द क्लियरेंस इन अ सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर डज नॉट इफेक्ट द वर्क डन ऑन द एयर एंड द पावर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो है हम लोग नेग्लिजिबल क्लियरेंस विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम लेकर के चलते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या बोल रहा है कि द क्लियरेंस इन जो भी क्लियरेंस हम लोग सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में रहे वो हम लोग का इफेक्ट नहीं करता है। क्या नहीं इफेक्ट करता है, तो वर्क डन और जो उसका पावर रिक्वायर्ड हो रहा है बाय द कंप्रेसर वो हम लोग का इफेक्ट नहीं करता, ठीक। 33, अ लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट्स इन, तो देखिए लार्ज क्लियरेंस बोल रहा है लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होगा, तो हम लोग क्या होगा वो हम लोग का रिड्यूस फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा। क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट जो हम लोग का रिड्यूस करेगा, क्या अगर हम लोग लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम लेते हैं तो कोई भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में बोल रहा है तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का वॉल्यूम फ्लो रेट जो है रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन वर्क पर केजी ऑफ एयर, अब यहाँ पे आया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कंप्रेशन वर्क केजी ऑफ एयर, तो मैंने पहले ही बोला कि जो है हम लोग क्लियरेंस से इसे कोई लेना देना नहीं है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम। ये क्लियरेंस वॉल्यूम के अंतर्गत ही सब पूछा गया क्वेश्चन कि कंप्रेशन वर्क केजी ऑफ एयर क्या होगा, तो कंप्रेशन वर्क केजी मतलब कंप्रेशन वर्क जो है हम लोग का क्लियरेंस वॉल्यूम से रिलेशन नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट रहता है, क्लियरेंस वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं रहता, इसलिए इसका सी नंबर जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है हम लोग का सी नंबर। आइए नेक्स्ट, वेन एयर इज टू बी कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर देन इट इज एडवांटेजियस टू यूज। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बताया सिंगल एक्टिंग में हम लोगों ने देख लिया और डबल एक्टिंग देख लिया, अब क्या बोल रहा है, कोई भी एयर का कंप्रेशन जो है हाई प्रेशर पे हम लोग को चाहिए तो वहाँ पे हम लोग कैसा जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो है मल्टी स्टेज कंप्रेशन विथ इंटरकूलिंग वहाँ पे यूज करना चाहिए। मल्टी स्टेज कंप्रेशन मतलब एक बार लो प्रेशर सिलेंडर में डालेंगे फिर वही कंप्रेस्ड एयर को हम लोग हाई प्रेशर सिलेंडर में डालेंगे इंटरकूलर का यूज करके, ताकि उसका टेम्परेचर भी ना पड़े, टेम्परेचर हम लोग का कम रहे और प्रेशर हम लोग का हाई मिले, ठीक। ये चीज़ हम लोग को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टी स्टेज कंप्रेशन विथ इंटरकूलिंग का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। 35 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होता है। 36,
अब 3 मीटर क्यूब पर मिनट कंप्रेसर में, मैंने पहले बताया कंप्रेसर कैपेसिटी जो हम लोग मापते हैं मीटर क्यूब पर मिनट में, 1 मीटर में कितना मीटर क्यूब जो वॉल्यूम हम लोग का डिलीवर कर रहा है, तो यही हो गया। क्या होगा, कंप्रेस कर रहा है कितना, 3 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ फ्री एयर, इतना मीटर क्यूब मीटर पर मिनट कंप्रेसर मीन्स क्या हो जाएगा, कंप्रेस कर रहा है 3 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ फ्री एयर, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। 37, द मल्टी स्टेज कंप्रेशन ऑफ एयर एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन। आप बोल रहे हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन और सिंगल स्टेज कंप्रेशन के तुलना में बोल रहा है कौन सा टेबलेट सही है, तो इसमें जो है सभी ऑप्शन सही है, देखते हैं करके। पहला नंबर जो है क्या होगा, पहला नंबर इम्प्रूव वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी फॉर द गिवन प्रेशर रेशियो, चूंकि मल्टी स्टेज कंप्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऐसे भी बढ़िया रहेगा। रिड्यूसेस वर्कडन पर केजी ऑफ एयर, हम लोगों का क्या हो रहा है, वर्कडन हम लोग का रिड्यूस कर रहा है चूंकि हम लोग यहाँ पे मल्टी सिलेंडर का यूज करेंगे। और गिव्स मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, हम लोग का टॉर्क जो पैदा होगा वो हम लोग का यूनिफॉर्म रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 38, वर्कडन बाय एयर कंप्रेसर डैश डिपेंड्स या डज नॉट डिपेंड अपॉन द वे इन विच द एयर इज कंप्रेस्ड, है ना। वर्कडन पूछ रहा है कोई भी एयर कंप्रेसर का कि वो डिपेंड करता है तरह से जो है हम लोग का कंप्रेशन हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि वर्कडन वहाँ पे डिपेंड करेगा हम लोग का कि हम लोग का कंप्रेशन किस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक, कंप्रेशन किस तरह से वहाँ पे करवाया जा रहा है, सिंगल एक्टिंग है, डबल एक्टिंग है, मल्टी स्टेज है, तो उस पर हम लोग का वर्कडन जो है हम लोग का वेरी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। 39, इंटरकूलिंग इन कंप्रेशन रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ पावर इन कंप्रेसिंग गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर टू अ गिवन प्रेशर, तो करेक्ट है, इंटरकूलिंग हम लोग इसी के लिए यूज ही करते हैं। वर्कडन बाय टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर पर साइकिल इज इक्वल टू द वर्कडन इन लो प्रेशर सिलेंडर एंड LP, मतलब लो प्रेशर सिलेंडर एंड हाई प्रेशर सिलेंडर, ट्रू है, 40 का ए नंबर जो करेक्ट है, कोई बोल रहा है टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग में वर्कडन जो इक्वल टू होगा हम लोगों का क्या होगा, तो लो प्रेशर सिलेंडर जो अभी लो प्रेशर सिलेंडर में हो रहा है और हाई प्रेशर सिलेंडर में हो रहा है दोनों का बराबर होता है, वो हम लोग का ए नंबर जो 40 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं 40 तक, है ना। मैं अभी चाह रहा हूँ कि जो है 30 मिनट का ही सेशन हो, नहीं तो जो वीडियो हम लोग का लंबा चल जाता है। 40 क्वेश्चन तक आज रखते हैं, 41 नंबर से शुरू करेंगे। 41 नंबर शुरू करने से पहले मैं अगले वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर और इंटरकूलर के साथ और विदाउट इंटरकूलर के साथ और कंप्लीट इंटरकूलिंग और इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग क्या है, ये सब चीज़ पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद जो हम लोग जो है नेक्स्ट आगे का जो है क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड करेंगे, ताकि हम लोग का जो है आगे समझने में दिक्कत ना, बार बार बीच में थ्योरी मुझे बताना ना पड़े, उससे बेहतर है कि मैं एक बार पहले आपको थोड़ा उसका कुछ मैं समरी में बता दूँ, ब्रीफ में, है ना। बाकी आप लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं डिप्लोमा में 3 साल, जो बीटेक किए हुए हैं 4 साल, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों, आप लोगों को एक ब्रीफ चाहिए वो मैं बता दूंगा, है ना। उसके बाद हम लोग जब 41 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।